पांचवा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। आपने कुछ साल पहले एक रील लाइफ में मेला देखा होगा। इस मेले में मीडिया से लेकर सरकार सबने अपनी रुचि दिखाई थी, पर अब एक ऐसा ही मेला रियल लाइफ में भी देखने को मिल रहा है और इस मेले का गवाह बना है यूपी में उन्नाव का डोडिया खेड़ा गांव। आजकल पूरे देश में इस गांव की चर्चा है। मीडिया से लेकर सरकार के अधिकारी तक इस गांव में अपना डेरा डाले बैठे हैं। वो इसी उम्मीद में बैठे हैं, क्या साधु का सपना सच होगा। सोने के खजाने की देश भर में चर्चा, यूपी के गांव में लगा जमावड़ा, दूर दराज से गांव पहुंचे लोग, मीडिया ने भी डाला डेरा। साधु का सपना सच होगा या नहीं, ये तो बात की बात है, पर अब इस गांव की सोने के खजानों को लेकर पूरे देश में चर्चा है। इस गांव में मीडिया और जनता का मेला लगने लगा है। ये रियल लाइफ का मेला है। खजाने वाला ये गांव असल जिंदगी का डोडिया लाइफ बन गया है। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर यूपी के कानपुर से सटा उन्नाव जिला है और यहीं पर डोडिया खेड़ा गांव है। दरअसल डोडिया खेड़ा गांव में राजा राम बख्श सिंह का महल बरसों से वीरान पड़ा है, पर इस महल के सुर्खियों में आने की कहानी संत शोभन सरकार को आए एक सपने से शुरू हुई। संत शोभन सरकार को आए सपने ने इस महल को न सिर्फ चर्चा में ला दिया है, बल्कि सरकारी तंत्र को ये भरोसा भी दिला दिया कि इस महल की जमीन के नीचे कई टन सोना गड़ा है। आइए आपको बताते हैं इस महल का राज क्या है। डोडिया खेड़ा गांव में राजा का महल 40 से 60 एकड़ जमीन में फैला है। महल का ज्यादातर हिस्सा अब टूट चुका है और मिट्टी का टीला नजर आता है। महल का शिव मंदिर अब भी मौजूद है। कहा जाता है कि इस मंदिर के आसपास ही जमीन के नीचे खजाना है। ये तो खुदाई के बाद ही पता चलेगा कि खजाना घड़ों में रखा गया है या फिर उसे किसी संदूक में रखा गया है। ये भी नहीं पता कि महल की जमीन के भीतर कोई तहखाना तो नहीं है। आपको ये भी बता दें कि जिस संत के सपने ने देश में हलचल पैदा की है, वो कैमरे पर नहीं आते, मीडिया से बात भी नहीं करते और उनकी कोई तस्वीर भी नहीं मिलती। जो कुछ है वो कानपुर के 40 किलोमीटर दूर कानपुर देहात का शिवली इलाके में संत शोभन सरकार का एक भव्य मंदिर है, जिसकी स्थापना करीब 90 साल पहले मंगली दास स्वामी ने की थी। इसी मंदिर में शोभन सरकार पहली बार 22 साल की उम्र में आए और यहीं के होकर रह गए। अब संत की जुबान खाली जाएगी या डोडिया खेड़ा की झोली खजाने से भर जाएगी, इस बात पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। साधु ने सपना देखा और अपने सपने में 1000 टन सोना देखा। साथ में दलील भी दी कि यह सोना काफी पुराने वक्त से यहां पर दबा है और अगर यह सोना निकाल लिया जाए तो देश की गरीबी दूर हो जाएगी। साधु ने सपना देखा और यह बात सरकार को बता दी, जिसके बाद सरकार ने भी सपने को सही मानते हुए साधु की बताई जगह पर खुदाई शुरू करवा दी। क्या साधु का सपना सच होगा? क्या डोडिया खेड़ा गांव में सोना मिलेगा? साधु के सपने के बाद हुआ सर्वे, ASI ने खुदाई का काम शुरू किया। यूपी में एक साधु ने सपना देखा है। इस सपने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आने की बात भी कही है। सपने में साधु को यूपी के एक गांव डोडिया खेड़ा में सोने का खजाना दिखा है। खजाना भी इतना कि जो रिजर्व बैंक के पास सोने का रिजर्व है उससे 2 गुना खजाना यहाँ की जमीन में दबा हुआ है। इस संत का नाम शोभन सरकार है और इलाके के मशहूर संत हैं ये। यहाँ के लोग भी इनकी कही हुई बातों को सच मानते हैं। पूरी कहानी संत के सपने से शुरू हुई, जिसके बाद संत श्री शोभन सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी। चिट्ठी में लिखा कि उन्होंने 3 महीने पहले सपने में उन्नाव जिले के डोडिया खेड़ा गांव में राजा राव राम बख्श सिंह के किला परिसर की जमीन में दबा खजाना देखा है। इसके बाद सरकार ने उन्नाव के DM को 3 सितंबर को पत्र लिख मामले की सच्चाई पता लगाने को कहा।
प्रशासन के निर्देश पर 10 अक्टूबर को पुरातत्व विभाग की टीम ने संत द्वारा बताई गई जगह का सर्वे किया। सर्वे में किले में 15 से 20 फीट की गहराई में सोना दबा होने के संकेत मिले हैं। शोभन सरकार का दावा है कि इस गांव में राजा राव रामबख्श सिंह के किले में 1000 टन सोना दबा है। वहीं खजाने को लेकर देश में मचे हो हल्ले के बीच साधु संतों की पूजा पाठ के बाद खुदाई का काम शुरू हो गया है। खुदाई की शुरुआत का ऐलान करते हुए पूरे अभियान का देखरेख कर रही डीएम ने कहा है कि खुदाई के काम में करीब 1 महीने का समय लग सकता है। केंद्र सरकार की ने एक टीम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वहाँ भेजी थी, इन्होंने वहाँ पे सर्वेक्षण किया। उस सर्वेक्षण के आधार पे उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ और खुदान की जरूरत है, जिसके आधार पे वो रिपोर्ट को हमने शासन को प्रेषित किया। इससे पहले शोभन सरकार ने दावा किया कि वो सोना निकाल कर दिखाएंगे। वहीं उनके शिष्य स्वामी ओम बाबा ने ईएसआई के अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे शोभन सरकार के हवन के बाद ही खुदाई करें। वहीं सोने की खोज को लेकर हो रही खुदाई पर विवादों की चमक सोना मिलने से पहले ही चढ़ने लगी है। पूरी दुनिया हमारी मजाक उड़ा रही है, किसी को सपना आया और दिल्ली की सरकार 1000 टन सोना खोजने के लिए खुदाई करने में आज लग पड़ी है। अरे दिल्ली की सरकार स्विट्जरलैंड की बैंकों में हिंदुस्तान के चोर लुटेरों ने जो रुपये रखे हैं वो 1000 टन सोने से भी ज्यादा कीमत के हैं, वो तो पता है। लो अगर विदेशी बैंकों में चोर लुटेरों ने जो पैसे रखे हैं वे अगर वापस ले आओगे तो ये सोना खोजने के लिए इस प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की बेइज्जती ये सरकार नहीं करवाती। सपने की बात तो मैं समझता हूं कि मिथ्या है, पर वहां पर काफी आर्कियोलॉजिकल अवशेष मिलेंगे और बिफोर क्राइस्ट के ईसा मसीह से पहले के अवशेष वहां पर दबे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसी खुदाई अगर होती है और उसमें सोना निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, और सोना नहीं निकलता है तो उसमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स निकलेंगी। आपको पता चलेगा कि कौन कौन से काल के अंदर कौन कौन वहां बसे रहे। तो मैं समझता हूं कि आर्कियोलॉजिकल साइट के आधार पर भी भारत इनरिच होगा, भारत और धनवान होगा, हमारा ज्ञान और बढ़ेगा। संत शोभन सरकार के अनुयायियों और सेवकों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि संत श्री को सपने में नहीं बल्कि दिव्य शक्ति से जमीन में खजाना होने का पता चला। वहीं संत शोभन सरकार ने भारत सरकार और रिजर्व बैंक को एक और पत्र लिखकर 3 और जगहों पर सोना दबे होने की बात कही है। उनके मुताबिक तीनों जगहों पर करीब 28,000 टन सोना मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज़।